शहर का विधानसभा का चुनाव खत्म। अपने अपने नसीब से लोग चुनकर आ गए। समाजवादी पार्टी से रईस शेख भी चुनकर आ गए। बड़ी बात है, ठीक है, उनका नसीब था, नसीब ने साथ दिया। मगर भिवंडी शहर की जो समाजवादी पार्टी है वो बड़ी खुशी से शहर में अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने रईस शेख को चुनकर दे दिया। ये उनकी गलतफहमी है। भिवंडी शहर के युवाओं ने, भिवंडी शहर के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर रईस शेख को जिताया है। सोशल मीडिया पर और पत्रकारों से बात करते हुए रईस शेख जो बातें कह रहे हैं भिवंडी शहर की विकास की, तो विकास की उम्मीद भी है भिवंडी शहर वालों को। मगर सोशल मीडिया पर और पत्रकारों को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस पर जो चल रहा है, आइए हम उसको एक नज़र में लेते हैं। रईस भाई, जैसे आप चुनकर आए हैं, आपका स्वागत शहर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस स्वागत का आप भरपाई किस तरह करेंगे, जनता को जरा बता दीजिए। देखिए, जो मैं चुन के आया हूँ, जिस मुद्दे पे मैं चुन के आया हूँ, वो बदलाव है। और मैं स्वागत के साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। स्वागत इसलिए हो रहा है कि लोगों को 15 साल पहले आमदार दिखा है। शेख साहब, आपने एकदम सही कहा, भिवंडी शहर के लोगों ने 15 साल के बाद विधायक देखा है, यानी आमदार देखा है। आपके मुखिया अबू आसिम आदमी 10 साल पहले भिवंडी शहर में जब MLA चुने गए और भिवंडी छोड़कर भाग गए, तो शिवसेना आई ना। आपने सही कहा, और आज दिखा है, 15 साल लोगों ने आमदार देखा ही नहीं, तो उनका उत्साह है, इसलिए स्वागत हो रहा है। साथ साथ काम की पूरी चर्चा हो रही है, काम के लिए पूरा प्रयत्न हो रहा है। रोड्स का विषय हो या टोरेंट का विषय हो या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का विषय हो, तमाम विषय पे लगातार प्रशासन से बात हो रही है। और आने वाले 2 महीने में 6 महीने में आप देखोगे कि बदलाव बहुत बड़ी तरीके से आएगा। अरे रईस भाई, आपने फिल्म शोले देखी है कि नहीं? उसमें एक हीरोइन है, अक्सर हमारे देश के नेता कहते हैं कि उसके गाल का जैसा बना दूंगा, तो कहीं आप भी तो वैसे ही नहीं वादा कर रहे हो, या खाली जुमलेबाजी है? भिवंडी में भी चर्चा हो रहा है कि मतलब आप सिर्फ क्या मुसलमान के आमदार है क्या, क्योंकि अभी तक आपने दिवाली की शुभेच्छा दी नहीं। आपको शायद माहिती नहीं है, मैं दशहरे के दिन पूरा दिन जो है हमारे हिंदू भाइयों के साथ था। मैं घर घर लोगों के गया, कई लोगों से मैं मिला, और यहाँ पर जात धर्म की बात होती ही नहीं। ये समाजवादी पार्टी है, ये सबकी पार्टी है, ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पार्टी है। यादव समाज में चर्चा चल रहा है, इसलिए सवाल किया जा रहा है कि आप सिर्फ केवल लोगों से मुलाकात की, कुछ बड़े लोगों से पार्टी को मजबूत करने के लिए, ना कि किसी को दीपावली की बधाई दी गई। देखिए, ऐसा है कि जो लोग मेरे संपर्क में थे सभी से मैं मिला, और अब यादव संघ हो या फिर जितने हमारे भाई है, मारवाड़ी समाज है, सब अपनी अपनी मीटिंग रख रहे हैं। मैं एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि इस तरह का भ्रम पैदा करें कि मैं मुसलमानों का MLA सबका होता है, उनका जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। रईस साहब, भिवंडी शहर कौमी एकता की निशानी है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमने कौमी एकता पर मैसेज दिया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मैसेज दिया है, मगर आपने इस सीट को मुस्लिम सीट बनाकर रख दिया, आपके चाहने वालों ने बनाकर रख दिया। आप कहते हैं कि पत्रकार भ्रमित ना करें, भ्रमित तो नेता ही करते हैं। अभी शिक्षा के ऊपर मीटिंग में बात हुई, तो सरकारी स्कूलों में आपका नज़र रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों पर भी रहेगा? इस वक्त तो मैं सरकारी स्कूल जहाँ पे मुफ्त शिक्षा मिलती है वहाँ मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता ये है कि मुफ्त और मयारी, यानी क्वालिटी और एजुकेशन और फ्री एजुकेशन जो है लोगों तक पहुँचे, वो मेरी प्राथमिकता है। तो पहले, सबसे पहले सरकारी स्कूल के ऊपर हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही है शेख साहब, आपने कहा कि शिक्षण का जो मामला है भिवंडी शहर में, महानगर पालिका के स्कूलों को सही किया जाएगा, तो भिवंडी शहर के जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो भिवंडी शहर में जनता को लूट रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आपने तो बताया नहीं। मैं भिवंडी शहर के तमाम रहवासियों को दीपावली की और नववर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो वर्ष है वो मंगलमय हो, आने वाला जो वर्ष है वो हमारे लिए अच्छी दिन लेके आए, बदलाव लेके आए। मैं एक बार फिर सबको दीपावली की और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। भिवंडी शहर के लोगों ने 15 साल के बाद आमदार देखा है, तो अब शहर के लोग इस आमदार को, जो 15 साल के बाद लोगों ने देखा है, उससे बड़ी सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो शहर की क्या हालत है वो तो आपको पता है। अब विकास आप कितना कर पाओगे
ये आपको पता है, क्योंकि मदनपुरा आपका जो वार्ड है जहाँ से आप नगर सेवक हो, वहाँ की जो वीडियो आ रही है तो वहाँ का जो विकास का मामला है वहाँ तो आपने सत्यानाश करके रखा है, तो अब भिवंडी की बारी है।